हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीति आयोग की नई रिपोर्ट के बारे में जो अभी निकाली है उन्होंने, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट ऑफ 75। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत सारी रिकमेंडेशंस उन्होंने की हैं, तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, चेंज की जरूरत पड़ती है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको मद्देनजर रखते हुए नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है और फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज में वो क्या चेंजेस चाहते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी फिलहाल ये रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं 2019 IAS के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये रिकमेंडेशन है और अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हाँ, इन केस अगर बीजेपी की सरकार या प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये दोबारा आती है तो फिर ये रिकमेंडेशंस ज़रूर हो जाएंगी। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस की हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात आती है एज की। ओके, तो एज का मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द अपर एज लिमिट फॉर द सिविल सर्विसेज शुड बी ब्रॉड डाउन टू 27 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन ए फेज्ड मैनर बाय 2022-23। सो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने अभी फ़िलहाल आपको बताया कि जनरल कैंडिडेट्स की 32 तक की अपर एज लिमिट है, जिसको ये 27 ईयर्स तक की बात की गई है, 27 करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए कि ये स्टूडेंट्स के फेवर में है कि नहीं, ये आपको खुद देखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम विलेजेस की बात करें, ज़्यादातर बात की जाती है हमारी लीडरशिप के द्वारा कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इंडिया का विकास नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम गांव की बात करें तो नॉर्मली 25-26 की एज तक बच्चा ग्रेजुएशन करता है। ओके, तो हाँ, अर्बन एरियाज़ में सिचुएशन कुछ और होती है, यहाँ पर जो है 21 की एज में ग्रेजुएशन कर लेता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर 25-26 की एज में। अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, तो जो इंजीनियर है वो, जो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, 25 की एज में इंजीनियर बनता है। और अगर डॉक्टर की बात करें तो वो 25.5-25 साल की एज में डॉक्टर बनता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद उसको कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, ये सोचने की बात है, सिर्फ 1-1.5 साल। सो फ्रेंड्स, आगे देखिए कि क्या होता है, बट फिलहाल के लिए ये इन्होंने रिकमेंडेशन की है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एज लिमिट जो पहले थी 2013 में, तब 2013 तक ये 30 हुआ करती थी, जनरल के लिए 30 एंड कैटेगरी वालों के लिए 35। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 2013 में कुछ चेंजेस हुई सिविल सर्विसेज में, तो उन्होंने कुछ सिलेबस में चेंजेस की UPSC ने, तो उसके बाद स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट जनवरी महीने की बात है, जनवरी 2014 में स्टूडेंट राहुल गांधी के घर के बाहर जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो बताया कि ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं और सब। फ्रेंड्स, तब जो अटैम्प्ट हुआ करती थी वही 4 हुआ करती थी, 4 अटैम्प्ट हुआ करती थी टोटल जनरल कैंडिडेट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने उनकी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। और फ्रेंड्स, उन्होंने 2014 में ही, सो फ्रेंड्स, एज जो है 32-32 कर दी थी, 30-32 साल कर दी, और अटैम्प्ट्स भी 2 बढ़ा दिए, 6 कर दिए, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और फिर आपको पता ही है कि कैसे हर साल वैकेंसीज जो हैं कम होती जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको, एक मेरे पास डाटा है, 2014 में 1291 पोस्टें निकली थी। ओके, 1291 वैकेंसीज निकली थी, 2015 में 1129 एंड 2016 1079, 2017 980 वैकेंसीज एंड 2018 782 वैकेंसीज। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे हर साल वैकेंसीज कम हो रही हैं। तो इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री इंट्रोड्यूस की हुई है। ओके, जी आप देख सकते हैं, एनकरेज लेटरल एंट्री, इंडक्टिंग स्पेशलिस्ट एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मच नीडेड एक्सपर्टीज। ओके, सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि जो भी किसी फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, उन, जहाँ कोई प्राइवेट फील्ड में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको लेटरल एंट्री देना चाहती है कि बेशक उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया हुआ IAS का, उनको डायरेक्ट ही IAS की पोस्ट दे देगी। ये फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये लागू हो चुकी है। ओके, ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। सो इसलिए फ्रेंड्स हर साल जो है पोस्ट कम निकल रही हैं। ओके, फिर उसके बाद तीसरी बात आती है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ सिविल सर्विसेज। कि नीति आयोग ने ये रिकमेंड किया है कि जितनी भी जो PSC स्टेट लेवल की PSCs हैं, PCS एग्ज़ाम्स हैं, उनको वो ख़त्म किया जाए, तो एक ही एग्ज़ाम हो सेंट्रल लेवल पर, उसी के थ्रू बच्चे जो हैं चुने जाएं, स्टूडेंट्स को मतलब कैडर मिले, उसी के थ्रू चुने जाएं। सो फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से PSC को ख़त्म किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या होता था कि
अगर आईएएस क्लियर नहीं किया तो केएएस क्लियर कर लेंगे, या स्टेट का कोई भी पीसीएस स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक ही एग्ज़ाम रह जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स ये जो हैं ये सारी रिकमेंडेशंस हैं, तो फिलहाल क्योंकि 2019 का इलेक्शन आने वाला है तो अभी तो इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी। हाँ अगर यही गवर्नमेंट फिर से आती है तो फिर डेफिनेटली 100% ये रिकमेंडेशंस हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे बताएं, कमेंट करें कि क्या जो एमएलए हैं या एमपी हैं, प्रेसिडेंट है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, इनकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स? क्या इनको भी कोई एज लिमिट होनी चाहिए? फिलहाल तो इनकी कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कोई इनकी एज लिमिट नहीं है, ये जब तक मर्जी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जब तक जिस मर्जी पोस्ट तक जा सकते हैं, बिना क्वालिफिकेशन के, कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। तो क्या इनके बारे में भी कुछ ऐसा अमेंडमेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, हमारे लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ओके, जो हमारे लिए लेजिस्लेट कर रहे हैं, लेजिस्लेशन बनाते हैं, तो क्या इनकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सो फ्रेंड्स इस बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ हार्ड वर्क करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही राय दूंगा जो अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मे बी अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो फिर ये रिकमेंडेशंस पूरी हो जानी है, उन्होंने ये चेंजेस कर देने हैं। तो आप उससे पहले ही आप अपनी इतनी मेहनत करें कि इसी बार इसी अटैम्प्ट में क्रैक करने की कोशिश करें। अगर आप अभी 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप इसको 15-16 घंटे तक करें, और 6 घंटे की नींद भी ज़रूर लें, तो जितना हार्ड वर्क हो सकता है करें और इसको क्रैक करें एग्ज़ाम को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें, मुझे बताएं कि क्यों डिसलाइक की है, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से बना पाऊँ। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।